जब भी अमिताभ बच्चन की किसी भी फिल्म को लेकर चर्चा होती है, लोग कहते हैं कि हर फिल्म में कुछ अलग कुछ अनोखा करने की कोशिश में अमिताभ अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रख पाते। लेकिन लोगों की दुआएं ही हैं जो अमिताभ बच्चन के हमेशा साथ है, और अमिताभ ने उन्हीं दुआओं के लिए हमेशा खुद की तकलीफ को खुद तक रखा। नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट नाइन न्यूज, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दर्शकों, आज मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ ये खास प्रोग्राम बच्चन परिवार के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, अमिताभ बच्चन को काफी ज्यादा परेशान, काफी ज्यादा चिंतित और काफी ज्यादा आपने देखा होगा अब तक बीमार भी, लेकिन उस बीमारी पर अमिताभ ऐसी बातें करते हैं कि लोग भी चिंतित बेचैन हो जाते हैं। अमिताभ की जो आंखों के अगर अंदर बात की जाए एक निशान की, तो उस बारे में अमिताभ ने एक फोटो शेयर की थी। उस बुढ़ापे में जो उनके आंखों की स्थिति हुई है, उसमें भी अमिताभ बच्चन की पुरानी फिल्मों की शूटिंग के वक्त फिल्मों के लिए वो कुर्बानी है जिसका नतीजा आज उन्हें दर्द के साथ हर वक्त भुगतना पड़ता है, और वो दर्द अमिताभ बच्चन सहते हैं। यकीनन आप हैरान होंगे, अमिताभ की कुछ पोस्ट है और जो अमिताभ बच्चन का एक स्टेटमेंट है वो सामने आया है उनकी बीमारी पर। ऋतु नंदा के गुजर जाने के बाद जो लगातार कर रहे हैं काम, घंटों कर रहे हैं काम, घर में इस दुखद घड़ी का सामना करने के बावजूद अमिताभ नहीं रुक रहे हैं और लगातार कर रहे हैं वो मेहनत। देखिए रिपोर्ट। अमिताभ बच्चन की स्थिति, अमिताभ बच्चन की सेहत को लेकर लगातार खबरें हम आप सभी को देते हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको बताना चाहेंगे, अभी हाल ही में अपनी सबसे प्रिय समधन ऋतु नंदा के निधन के बाद प्रार्थना सभा में शरीक होने के बाद वहां बहुत ज्यादा इमोशनल हुए अमिताभ बच्चन। अब फिर से नजर आए हैं बेहद ही ज्यादा तकलीफ में। उनसे जुड़ी एक दर्द भरी सच्चाई सामने आई है जिससे हम आपको वाकिफ कराना चाहेंगे। जो खबर आई है सुनकर जरूर आपको भी रोना आएगा, क्योंकि अमिताभ बच्चन जो बहुत ज्यादा तकलीफ में अपने परिवार वालों को देखने के बाद, जो अपने परिवार वालों का साथ देने के बाद, बेटी के आंसू पोंछने के बाद, नातिन को संभालने के बाद दोबारा घर लौट आए हैं, उनके बारे में आपको मालूम हो ना हो, लेकिन अमिताभ को लेकर एक ऐसा राज खुला है उनकी बीमारी से जुड़ा जिससे कई लोग अब तक अनजान थे। अमिताभ बच्चन से जुड़ा ये राज बहुत कम ही लोगों को मालूम है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ऋतु नंदा के निधन के बाद अमिताभ बच्चन जो बीमारी में भी लगातार ट्रैवलिंग करते रहे, लगातार फिल्मों को लेकर काम करते रहे, उनका सफ़र इस साल भी बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है, क्योंकि उनकी 4 फिल्में रिलीज होंगी इस साल। ब्रह्मास्त्र की रिलीज डेट सामने नहीं आई, लेकिन इसके अलावा 4 फिल्मों की रिलीज डेट सामने ला चुके हैं अमिताभ बच्चन। इससे पहले हम आपको बता दें अमिताभ क्यों आखिर संन्यास को लेकर लास्ट ईयर बात करते नजर आए। अमिताभ बच्चन बीमार हैं ये सभी जानते हैं, और वो दवाइयों के सहारे ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और एक दुख भरी खबर उनकी दर्द भरी स्थिति को लेकर जो आई है वो उनके आंसू को बयां करती हैं कितने वो दर्द में रहे हैं। दरअसल अशोक मिस्ट्री नाम के एक ट्विटर यूज़र ने अमिताभ बच्चन को जवाब देते हुए उन्हें याद दिलाया था, और अमिताभ बच्चन ने जो स्टेटमेंट दिया था उसकी याद दिलाई। लोगों तक ये बात पहुंची कि अमिताभ बच्चन ने खुद बताया था, द कॉन्टैक्ट लेंसेज फॉर बाबू कैरेक्टर वेयर मेड एंड पेंटेड ऑन ग्लास लेंस, यानी कि जो शीशे का लेंस होता है ग्लास लेंस, उसमें पेंट किया गया था कॉन्टैक्ट लेंस के लिए, जब बाबू कैरेक्टर के लिए अमिताभ बच्चन ने काम किया था। बाबू के किरदार को निभाने के लिए अमिताभ बच्चन सॉफ्ट टिश्यू, जो आज सॉफ्ट टिश्यू वाले लेंस होते हैं वैसे लेंस नहीं बल्कि पेंटेड वाले लेंस को इस्तेमाल करते थे, और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ देता था, इतना ज़्यादा तकलीफ कि आँखें खोलने में भी तकलीफ होती थी, इतना ज़्यादा तकलीफ कि कुछ मिनट से ज़्यादा आप रेसिस्ट नहीं कर सकते उस तकलीफ को। एनास्थेटिक ड्रॉप्स तक अमिताभ बच्चन इस्तेमाल किया करते थे उस दर्द को बर्दाश्त करने के लिए। ये राज अमिताभ बच्चन को लेकर खुला। बता दें यही कारण है कि अमिताभ ने अभी कुछ दिनों पहले ऋतु नंदा के निधन के ठीक कुछ घंटे पहले बताया था कि उनकी आंखों की स्थिति ऐसी हो गई है कि डॉक्टर के पास उन्हें जाना पड़ा जब आंखें फड़फड़ा रही थी। खुद अमिताभ ने कहा था, अभी हाल ही में जो अमिताभ बच्चन ने लिखा, सर ये लिंक
यूज करिएगा। ये कुछ बिटली लिंक है, पहले समझ में नहीं आया कि ये बिटली क्या है, फिर गूगल किया और पता चला ये एक शॉर्टर यूआरएल का नाम है। धन्य है बिटली मैया। यहाँ अमिताभ बच्चन झुंड टीजर के लिंक को शॉर्ट यूआरएल को लेकर बिटली कह रहे हैं, जो लोगों से बता रहे हैं। झुंड फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त हो गए हैं अमिताभ बीमारी की हालत में भी। इससे पहले अमिताभ बच्चन ने कल की रात एक ट्वीट किया था और उसमें लिखा था, माई नेक्स्ट फिल्म लाइनअप अप्रैल में 17 अप्रैल की तारीख को उनकी फिल्म गुलाबो सिताबो रिलीज होगी, तो वहीं 8 मई की तारीख को उनकी फिल्म झुंड रिलीज होगी और 17 जुलाई की तारीख को इसी महीने उनकी फिल्म चेहरे रिलीज होगी। तीनों ही फिल्मों में उनका रोल बहुत अहम है। इसे लेकर अमिताभ ने बताया, जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम, इतना बिजी है उनका समय। आगे की अगर आप तस्वीर देख रहे हो तो आपको पता लग चुका होगा कि अमिताभ बच्चन के किस कॉन्टैक्ट लेंस की हम बात कर रहे हैं। बाबू के किरदार वाले उसी कॉन्टैक्ट लेंस की हम बात कर रहे हैं जिसमें अमिताभ बच्चन जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ में, दर्द में नज़र आए थे। अमिताभ बच्चन को लेकर ये खबरें हम आपको ज़रूर देना चाहेंगे कि अमिताभ से जुड़ी ये खबरें आपको रुलाएगी, क्योंकि अमिताभ ने ये जो लेंस लगाए थे उसका असर अब बुढ़ापे में हो रहा है। उस लेंस के कारण उनकी आंखों में हमेशा आंसू रहता था और उस आंसू को वो बहाते रहते थे, कंट्रोल करते थे आंसू ना निकले क्योंकि वो तकलीफ देती थी, फिर भी आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाते थे अमिताभ। वही आंसू जो निकलता था दर्द से, उसका नतीजा आज बुढ़ापे में 77 की उम्र में वो भुगत रहे हैं। उन्होंने लिखा था कि डॉक्टर के पास वो क्यों गए थे, लेफ्ट आई में जो दाग उनके अगर आप देख रहे हो उस पे है तो उसके पीछे भी वही कारण है। बता दें हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में अमिताभ बच्चन से जुड़ी इस खबर को जानने के बाद कई लोग उनकी सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं, यहाँ तक कि बच्चन परिवार भी उनका खास ख्याल रख रहा है। जी हाँ, यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे अमिताभ बच्चन को लेकर ये खबरें काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही हैं। खैर इसी के साथ साथ हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि अमिताभ बच्चन फिलहाल फिल्मों को लेकर अभी आराम फरमा रहे हैं। आने वाले समय में वो कुछ और भी फिल्में करेंगे जिसे लेकर वो और भी ज़्यादा व्यस्त रहने वाले हैं। हालांकि अमिताभ बच्चन फिलहाल रेस्ट मोड में हैं, इसके अलावा वो ट्विटर पर लगातार एक्टिव है ताकि वो लोगों से जुड़े रहें और आराम फरमाते हुए बॉडी को थोड़ा रेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि फिल्म के प्रमोशन के लिए इन्हें फिर बाहर निकलना है जिसके लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा व्यस्त भी रहते हुए देखा जा सकता है। और इसी कारण से अमिताभ आराम करते हुए फिलहाल जो है अपनी बीमारी का ख्याल रखने में व्यस्त हैं, क्योंकि वो कुछ दर्द है जिसे वो बार बार लिखकर नहीं बयां कर सकते हैं। कुछ ऐसे दर्द है जिसका जिक्र करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी अमिताभ बच्चन जब दर्द बर्दाश्त से बाहर होता है और ऐसा उन्हें लगता है कि दर्द बांटने पर शायद वो दर्द कम हो जाए, तो उस दर्द को अमिताभ बच्चन कुछ ऐसे ही लोगों से बांटते हैं जिस तरह वो ट्वीट पर आपको ट्वीट पर लिख लिख कर दिखाई देते होंगे फोटोज शेयर करते हुए। दर्शकों, देखा आपने अमिताभ बच्चन के आंखों की उस लेंस की हमने बात की जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन की आंखों में आंसू अब 77 की उम्र में आप दिन रात देखते होंगे, लेकिन उस आंसू के पीछे सिर्फ बुढ़ापा नहीं बल्कि बीमारियों की तकलीफ है जो हमेशा आंखों में आंसू भरे रहते हैं और आंखों में आंसू उस दर्द को बयां करते हैं जिसे अमिताभ शब्दों के हेर फेर कर हमेशा लोगों तक लाने की कोशिश करते हैं, लोगों को अपना दर्द बांटने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं और अपनी भावनाओं को प्रकट करने की कोशिश करते हैं। दर्शकों, वक्त हो गया है आपसे अभी यहीं पर इजाज़त लेने का, फिर लौटेंगे ऐसी ही बॉलीवुड से जुड़ी कुछ और नई लेटेस्ट खबरों को लेकर। तो आप बॉलीवुड की एंटरटेनमेंट की दुनिया की इसी तरह हर लेटेस्ट अपडेट के लिए, बॉलीवुड टाउन की हर बड़ी खबरों के लिए देखते रहें आप नेक्स्ट 9 न्यूज़, और मुझे यहीं दीजिए इजाज़त। नमस्कार।